बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज हम अपने चैप्टर वन इंट्रोडक्शन का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में, बायो एलिमेंट्स के बारे में कि वो कौन कौन से हैं जो कि लाइफ में इन्वॉल्व हैं। अब अगर हम बात करें तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, जिसमें विद इन अ डे थाउजेंड मिलियंस केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनकी बॉडी में, क्योंकि मल्टी सेलुलर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स एंटिटी है एज़ कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम अपनी बॉडी की भी बात करें तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब अगर हम देखें हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स एक्सेट्रा, तो उन सब के अंदर कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जो कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवेलप करते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारी नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपके टोटल 92 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं ऐसे हैं जिसे हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब हम उन्हें बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपका एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ मास बनाते हैं। अब 16 की भी आगे डिवीजन है, अब किस तरह हम उसको डिवाइड करते हैं? उसको डिवाइड हम इस तरह करते हैं, 6 + 10 इज इक्वल टू 16। अब जो 6 एलिमेंट्स हैं वो आपकी बॉडी का 99% मास बना रहे होते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग 10 है वो 1% बना रहे होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन से 6 ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी का 99% लाइफ मास जो है वो बना रहे होते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले जो है वो ऑक्सीजन है, वो 65% आपकी बॉडी मास बना रही है। कार्बन देखें तो वो 18% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन देखें तो वो 3% है, कैल्शियम की बात करें तो 2% है, फॉस्फोरस की बात करें तो 1%, यानी टोटल मिलके आपके 99% बॉडी मास बना रहे हैं। अब ऑक्सीजन जो है, अब अगर हम सबसे ज़्यादा अमाउंट देखें तो ऑक्सीजन की है जो बॉडी मास बना रही है, और सबसे जो कम है वो फॉस्फोरस की, यानी 1% है। ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी को चाहिए होती है, रेस्पिरेशन के दौरान चाहिए होती है ऑक्सीजन, जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनाने में हेल्प करता है। हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वो आपके डीएनए में अगर हम देखें नाइट्रोजीनियस बेसिस में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस भी वहीं पर आपको प्रेजेंट होता है, और कैल्शियम आपकी बोन्स वगैरह की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा बाकी जो 10 रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो बाकी है 1% बॉडी मास बना रहे हैं, वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जो मेजॉरिटी है वो सिर्फ इन्हीं 6 एलिमेंट्स की बात की जाती है। अब रिमेनिंग 10 बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो 1% बना रहे हैं आपकी बॉडी मास का? उसमें फर्स्ट वन इज़ पोटाशियम, 0.35% है। सल्फर देखें तो 0.25 है। क्लोरीन है, सोडियम है 0.15। मैग्नीशियम जो है वो 0.05% बना रहा है। उसके बाद आयरन 0.004%, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीनसाइड ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, यानी 0.000 में इनकी अमाउंट होती है जो कि बॉडी मास बना रहे होते हैं। ठीक है, तो टोटल ये 16 जो थे वो बायो एलिमेंट थे जो कि आपकी बॉडी का लाइफ मास बना रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडी में रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब अगर हम आगे नेक्स्ट अब देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कि किस तरह लेवल जो है वो लोअर लेवल से हायर लेवल तक ये पूरा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है, बहुत ज़रा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है वो कौन कौन से लेवल्स में डिवाइड करते हैं? ठीक है, हम सबसे पहले उसके लोअर लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका आता है सब अटोमिक पार्टिकल, यानी सब अटोमिक लेवल आता है। सब अटोमिक लेवल की बात करें तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर मौजूद जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करेंगे, वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर फर्दर और भी उनके अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अब अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जब ये कम्बाइंड फॉर्म में आते हैं तो अब आपका क्या बनता है? एटम बनता है। ठीक है, एटम अब कौन कौन सा हो सकता है? हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन एटम है। उसके बाद जब एटम आपस में मिलते हैं, डिफरेंट एटम जब आपस में मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या बनाते हैं आपके पास? माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर हम एग्जांपल देखें, सिंपली एग्जांपल आपके पास आती है वाटर आ जाती है, ठीक, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ग्लूकोज, सुक्रोज, डीएनए,
तो ये सारे आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेली बनाते हैं। ऑर्गेनेली जो है वो सेल के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अब ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी? ऑर्गेनेलीज जो है ना, वो हर ऑर्गेनेली जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है आपकी बॉडी के अंदर। सेल के अंदर जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यानी हर ऑर्गेनेली ने अपना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना होता है। ऑर्गेनेली कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को जनरेट करती है जो आपको केमिकल रिएक्शन में रिक्वायर्ड होती है। न्यूक्लियस की बात करें तो उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसमें क्रोमोसोम है, जिसने अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करनी होती है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो क्या करता है? आपकी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब ऑर्गेनेली जो है आपस में बाइंड करती हैं तो क्या बनाती हैं? सेल, ठीक है। नेक्स्ट लेवल अब हमारा कौन सा होगा? सेल लेवल होगा। सेल क्या होता है? द यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। जैसे आपका नर्व सेल हो गया एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक। जब डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स की अगर हम बात करें, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। तो अब सेल लेवल है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल। बहुत सारे टिश्यूज़ हैं बॉडी में मौजूद होते हैं। ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें, नर्वस टिश्यू आ जाता है, स्मूथ टिश्यूज़ हैं, कॉर्डिक टिश्यूज़ हैं, स्मूथ मसल्स हैं, कॉर्डिक मसल्स हैं। मसल के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम प्लांट्स में देखें तो उसमें कॉलन काइमा टिश्यूज़ आ जाते हैं, स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, ठीक, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, टिश्यू आता है। उसके बाद टिश्यू के अगर हम ऑर्गन की बात करें, नेक्स्ट हमारा लेवल है ऑर्गन लेवल। अ स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज ऑफ सेवरल टिश्यू टाइप्स दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट, यानी कि सेवरल टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो एक फंक्शनल यूनिट बना देते हैं जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। अब बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, हर ऑर्गन जो है वो अपना एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करता है आपके बॉडी के अंदर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसमें ब्रेन है, ठीक है, लिवर आता है, हार्ट है। हार्ट का काम क्या है? खून को सप्लाई करना है, खून बनाना लिवर का काम है, ठीक है। पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन, ठीक है। मास्टरमाइंड कौन है आपकी बॉडी का? ब्रेन। तो इस तरह हर ऑर्गन का अपना जो है वो डिफरेंट काम होता है। अब ऑर्गन क्या है? ऑर्गन के बाद नेक्स्ट लेवल हमारा आता है ऑर्गन सिस्टम। टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, जब उन्होंने कहा है कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जब काम आपस में मिलकर काम करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, यानी पूरे और सारे ऑर्गन जब आपस में कंबाइन करके वर्क करते हैं तो पूरा आपका एक ऑर्गन सिस्टम, यानी एक सिस्टम बना देते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम है आपका, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इन्वॉल्व है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम जब आपस में बिल्कुल कंबाइन करके काम करते हैं तो पूरा आपका एक होल ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अगर हम एग्जांपल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमन की एग्जांपल ले सकते हैं, जिसके हम होमो सेपियंस भी कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट लेवल हमारे पास कौन सा आता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद नेक्स्ट हमारा एडवांस लेवल आता है स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होती हैं? वेरी सिमिलर पोटेंशली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? मिलकर एक स्पीशीज़ बना देते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़, इस तरह ह्यूमंस की अपनी स्पीशीज़ हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, मतलब हर एक बर्ड्स की अपनी स्पीशीज़ हैं। तो सारे आपस में विद इन स्पीशी, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा लेवल आता है पॉपुलेशन लेवल है। मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज इनहेबिट इन द सेम एरिया, यानी एक ही स्पीशीज़ के मेंबर जब मिलकर एक जगह पर रहते हैं उसे हम कहते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बना देते हैं। पॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट हमारा जो लेवल आता है वो है कम्युनिटी लेवल। टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, अब हमने देख यहाँ पर बात करनी है डिफरेंट स्पीशीज़ की। डिफरेंट स्पीशीज़ की जब एक से ज़्यादा पॉपुलेशन जो हैं एक सेम एरिया पर रहते हैं तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। यानी डिफरेंट स्पीशीज़ जब मिलकर एक जगह पर रहती हैं तो क्या बनाती हैं? वो कम्युनिटी लेवल बना देती हैं। उसके बाद हमारा आता है इकोसिस्टम। कम्युनिटी टुगेदर विद, मतलब अब हमने बात करनी है कम्युनिटी की, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ आती हैं। वो जब अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ रहती हैं तो वो बनाती हैं मिलकर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद हमारा लेवल आता है बायोस्फीयर। सबसे एडवांस लेवल आता है बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपाउंड्स। बायोसफियर का मतलब, बायोसफियर दो वर्ड से मिलकर, मतलब बायो मीन्स लाइफ, एंड सफियर मीन्स रीजन एरिया।
यानी अर्थ का वो एरिया जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये सारे हमारे लेवल थे, जो लोअर लेवल से स्टार्ट हो एडवांस लेवल पर जाकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डिवेल्प करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हमारी जो है वो लास्ट पर हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक लिविंग थिंग है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो उसकी बेसिक्स क्या हैं, स्टार्ट पर हमने बात की थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब इसके बाद इसमें हमने इसकी डेफिनेशन वगैरह डिस्कस की हैं, तो अब आगे चल के हम इन सारे टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हैं आप, कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपका वो पॉइंट क्लियर कर सकूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब नेक्स्ट आने वाली जो सारी वीडियोस हैं, सारे लेक्चर्स की वीडियोस हैं, वो आपको मिल सकें और आपको आसानी हो सके, अपनी स्टडी में आसानी हो सके। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी तरह मज़ीद अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करती रहूँ और आपके लिए वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।